वेलकम स्टूडेंट। तो मैं आप सभी स्टूडेंट को यह बता दूं कि जो एमसीसी ने ऑल इंडिया कोटे की जो 50% सीट थी, चाहे वो डी यूनिवर्सिटी की हो, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की हो, चाहे एम्स के लिए हो, चाहे जिपमर के लिए हो, चाहे ईएसआईसी के लिए हो, चाहे एएफएमसी के लिए हो, उसकी जो रजिस्ट्रेशन है, जो पेमेंट है, वो चॉइस फीलिंग है, उसका शेड्यूल है, वो जारी कर दिया गया है। और मैं आप सभी स्टूडेंट को इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ। उससे पहले इस चैनल पर आप नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करते, बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो आपके पास समय समय पर आती रहे। तो मैं आप सभी स्टूडेंट को जो काउंसलिंग की डेट मैंने जो प्रेडिक्ट की थी, और वही जो एमसीसी ने वही डेट जो कि जारी किया गया है वही, और मैंने जो आप सभी स्टूडेंट को पुरानी वीडियो में वो शेड्यूल जारी किया था, वही शेड्यूल एमसीसी ने जारी किया है। बस आपको एक दिन का एक्स्ट्रा समय दे दिया गया है। जो एमसीसी ने जो शेड्यूल जारी किया है वो 7 डेज का है, और मैंने आपको जो शेड्यूल बताया था वो 6 डेज का था। अब मैं आप सभी स्टूडेंट को यह बता दूं कि जो रजिस्ट्रेशन पेमेंट है और जो रजिस्ट्रेशन है पेमेंट है वो चॉइस फीलिंग है। जो फर्स्ट राउंड की वो 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक, यानी 2 नवंबर तक के बीच में आपको समय दिया गया है। मतलब कि 27 अक्टूबर से यह जो ऑल इंडिया कोटे की जो 15% सीट है वो 27 अक्टूबर से आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट होने लग जाएगा। जो चॉइस फीलिंग व लॉकिंग करने का सिस्टम है वो 2 नवंबर तक का समय आपको दिया गया है। उसकी लास्ट डेट 2 नवंबर तक है, आप क्लियर इसमें पढ़ सकते हो। जो प्रोसेस है जो सीट की अलॉटमेंट का, वो 3 नवंबर से 4 नवंबर तक के बीच का समय आपको दिया गया है। जो आपको एमबीबीएस सीट्स अलॉटमेंट होगी, उसका जो रिजल्ट है कि आपको कौन सी सीट्स अलॉट हुई है, कौन से कॉलेज में आपको सीट्स अलॉट होगी, वो आपको 5 नवंबर तक का समय आपको दिया गया है। और मैं आपको ये बता दूं कि जो रिपोर्टिंग करने का सिस्टम है, जो रिपोर्टिंग करने का सिस्टम है, जिस कॉलेज में आपको रिपोर्ट करने का मौका मिला है, वो उसका जो टाइमिंग, जो उसका जो आपको कॉलेज में विजिट करने का मौका 6 नवंबर से लेकर 12 नवंबर तक का आपको समय दिया गया है। इसी प्रकार हम जो सेकंड राउंड की काउंसलिंग की बात करें, जो सेकंड राउंड की काउंसलिंग है वही जो रजिस्ट्रेशन है, वही जो पेमेंट है, वो जो चॉइस फीलिंग है, वो 18 नवंबर 2020 से स्टार्ट होगी और 22 नवंबर तक की ख़त्म हो जाएगी। इसी प्रकार जो चॉइस फीलिंग और लॉकिंग का सिस्टम होगा, उसमें 19 नवंबर से स्टार्ट होगी और 22 नवंबर तक का आपको समय दिया गया है। और जो प्रोसेस ऑफ सीट अलॉटमेंट होगा, जो आपको सीट अलॉट होगी, वो आपको 23 नवंबर से 24 नवंबर तक के बीच में का टाइम दिया गया है। और जो इसका रिजल्ट आएगा, जो सीट अलॉटमेंट हो जाएगी एमबीबीएस सीट किस कॉलेज में, आपको 25 नवंबर तक को आपको बता दिया जाएगा। जो रिपोर्टिंग करने का सिस्टम होगा, आपको रिपोर्टिंग जिस कॉलेज में आपको सीट अलॉटमेंट होगी, वो सेकंड राउंड में, उसके लिए आपको तारीख 26 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच में दी गई है। अगला जो राउंड होता है वो मोपअप राउंड होता है। मोपअप राउंड में भी यही बताया जाएगा कि कब आपके रजिस्ट्रेशन, कब आपके पेमेंट या कब जब आपका चॉइस फीलिंग है, वही तारीख दी गई है। और वही चॉइस फीलिंग, लॉकिंग सिस्टम, आपको कौन सी सीट अलॉटमेंट होनी है, आपको कौन से कॉलेज, कब कॉलेज में विजिट करना है, आपका रिजल्ट कब पब्लिश होगा, वही मोपअप राउंड में दिया जाएगा। जो ये नोटिस है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हो। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आप जाके वहाँ पर भी विजिट कर सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो में, मैं हर स्टेट की जो कट ऑफ है उसके मैं कट ऑफ की वीडियो मैं अपने चैनल पर डालने वाला हूँ, और जो क्या प्रोसेस रहेगा काउंसलिंग का उसके बारे में इस वीडियो में, जो मेरे वीडियो मेरे चैनल है उस पर डलती रहेंगी। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगा। तो यदि यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें तो सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को। धन्यवाद। जय हिंद।